पूरी दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को स्वीकार भी कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की जिन विरासतों को दिखाया है उसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की आंखें फटी की फटी रह गई। कोई शुद्ध हिंदी में बात करने लगा तो कोई सिल्क की साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा करने के लिए आ गया। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं द भारत शो। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया की जगह भारत लिखना ज्यादा बेहतर समझा और इसीलिए विरोधी जो हैं, विपक्षी जो हैं, वो बुरी तरीके से घायल हुए पड़े हैं, तमाम तरह का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया जो है इस भारत को स्वीकार कर चुकी है, तमाम देश जो है वो इंडिया की जगह भारत लिख रहे हैं। तो वहीं पर जापान के प्रधानमंत्री की जो वाइफ है वो सिल्क की खूबसूरत साड़ी पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आई। बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बारे में उनको बताया भी। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारी जो है वो हिंदी में बात करती हुई नजर आई, जिसे देखकर जनता भी गदगद हो गई। कुछ लोग सोनिया गांधी को नसीहत देने लगे तो कुछ लोग ये कहने लगे कि ये भारतीय परंपरा है जिसके बारे में दुनिया जितना ही अब जान रही है उतना ही इसके ओर आकर्षित हो रही है। और बात भी कुछ ऐसी है, पहले क्या होता था, भारतीय सभ्यता संस्कृति को विदेशी मेहमानों को दिखाया नहीं जाता था और इसीलिए आप देख रहे हैं ताजमहल और तमाम ऐसी चीज़ों को किस तरीके से गलत तरीके से दिखाया गया और ये बताया गया कि भारत में जो कुछ भी है वो मुगल उगल ने बनाया और इससे पहले तो कुछ भारत में था ही नहीं, सफेदों का देश था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ये बता रहे हैं कि हमारे पास उस वक्त जब घड़ी का आविष्कार भी नहीं हुआ था तब भी हमारे पास घड़ी थी और हमें पूरा वक्त का पता भी चलता था। सूर्य घड़ी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैकग्राउंड में लगाई और विश्व भर के नेता मंच पर आए और उन्हें उसके बारे में बताया। इससे साफ संकेत था कि भारत की विरासत ये है। और उसके बाद जब डिनर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को बुलाया तो पीछे बैकग्राउंड में नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखाने की पूरी कोशिश की कि आक्रांता और जो मुगल थे उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी हमारी सभ्यता संस्कृति मिटा नहीं पाई और विश्व का पुराना शिक्षा का जो केंद्र रहा है वो भारत में ही रहा है। चलिए आपको सबसे पहले अमेरिकी अधिकारी की वो हिंदी सुनाते हैं जिसके कायल भारतीय हो गए और भारतीय जो हैं वो सोनिया गांधी को नसीहत दे रहे हैं, ये कुछ सीख लीजिए, इतने साल हो गए हैं और आप अभी भी 3 गुना लगान देना पड़ेगा टाइप वाली हिंदी बोलती हैं। सुनिए जी, जैसे आपने ज्वाइंट स्टेटमेंट में देखा अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं जिनमें से क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी है। हमने कुछ ऐलान किया जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन के बारे में, हमारे DFC की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपने तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे। हम स्टूडेंट मोबिलिटी के बारे में अलग अलग पार्टनरशिप्स अनाउंस किया जो जिसके तहत अमेरिका और इंडियन एकेडेमिया एक साथ भी धारण कर सकते हैं। हाँ, हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के बीच में एक बहुत वार्म रिलेशनशिप है और ये तो हमारे लोगों के बीच का एक सिंबल होते हैं क्योंकि अमेरिका और इंडियन लोग, खास करके हमारे इंडियन अमेरिकन्स, जो एक लिविंग ब्रिज बनते हैं, हमारे रिलेशनशिप का एक ड्राइविंग फोर्स है। आज अब आपको दिखाते हैं जापान के प्रधानमंत्री के पत्नी को जिन्होंने खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। अब आपको दिखाते हैं जापान के प्रधानमंत्री के पत्नी को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने जब पहुंची, रात्रि भोजन में जब उन्हें बुलाया गया तो बातचीत करते हुए वहां खड़ी हुई थी, पीछे नालंदा विश्वविद्यालय की तस्वीर थी और सामने खड़ी सिल्क साड़ी में बेहद ही वो खूबसूरत लग रही थी, जिसके बाद पत्रकारों ने भी इसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। देखिए ये तस्वीर है ना, बेहद ही प्यारी। तो दुनिया जो है वो भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता संस्कृति को किस तरीके से अपना रही है और भारत की तरफ आकर्षित हो रही है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो अभी तक छुपाई गई। लेकिन सूर्य घड़ी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज क्यों,
सूर्योदय होती है पूरब में, सूर्यास्त होती है पश्चिम में। अगर सूर्य भगवान पूरब से पश्चिम इस प्रकार जा रहे हैं तो परछाई भी उल्टा घूमेगा, इसीलिए सन डायल आपका एंटी क्लॉकवाइज काम करती है। एक दिन 24 घंटा, वो 24 घंटों को बोलते हैं अष्ट प्रहर, प्रत्येक प्रहर 3-3 घंटा। तो अष्ट प्रहर के लिए 8 स्ट्रोक दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्येक एक दूसरे से 3-3 घंटे के गैप में है। 8 इंटू 3 24 घंटा एक दिन को समझा जाए। और ये जो मिडिल में जो लिखा गया है, ये 3 घंटे को 1.5-1.5 घंटा डिवाइड कर देता है। मिनट जानने के लिए मैडम ये देखिए, जो छोटे छोटे गोली दिख रहे हैं ना, एक एक्सिल से दूसरे एक्सिल के भीतर ये है 60 गोली। प्रत्येक गोली का मिनट 3 मिनट, 60 गोली, 60 इंटू 3 180, यानी 3 घंटा, 180 मिनट 3 घंटा। टाइम कैसे आपको देखना है, टाइम देखने के लिए आपको यहीं पे इंडिकेट करना पड़ेगा। हम देखिए मेरे पक्षा ही कहाँ पे गिर रहा है, यहीं पे गिर रहा है। मतलब 12 बजने के लिए 1 डॉट पीछे, 12 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है, यानी कि 11:58 अभी टाइम है, 11:58।